रिस्पेक्ट पर्सनल ग्रुप के संचालक एवं बॉलीवुड के अभिनेता मनोज पांडे ने भोजपुरी फिल्म और गानों में अश्लीलता को रोकने के लिए भारत सरकार तक की गुहार लगा दी। एमआरपी ग्रुप है क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है और इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं कुछ महीने पहले आपने एक मुद्दा उठाया था, क्या कहना है इस बारे में आपका? एमआरपी ग्रुप का फुल फॉर्म है मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स ग्रुप। ये ग्रुप मैंने अकेले ने नहीं बनाया है। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कहीं बैठते थे तो हमारा जो सर्कल था वहाँ बातें हुआ करती थी कि भाई भोजपुरी में इतनी गंदगी है, गंदे गंदे गाने आते हैं। तो हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, किसी के बीच बैठते हैं तो बदनामी होती है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमें हंसना होता है तो हम भोजपुरी चैनल लगा कर देख लेते हैं। तो ये बातें जो है ना दिल को छूने लगी थी, कहीं ना कहीं बुरा लगने लगा था और मुझे भी बुरा लगता था। मैंने देखा मेरी राय सबकी राय बन गई, सबकी राय मेरी राय बन गई और सब ने डिसाइड एक डिसीजन लिया कि एमआरपी ग्रुप एक ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप का नाम क्या रखा जाए। तो एक नाम रखा गया मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन्स ग्रुप, उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ एमआरपी ग्रुप। तो इसका इसके बहुत सारे मीनिंग्स उस वक्त निकाले गए, जैसे कि माय रियल प्रेजेंटेशन, माय रियल पावर, माय रेगुलर पाथ, माता रानी पार्टी, मोहम्मद रहीम पीर ग्रुप, माय रमज़ान प्राइड। इसमें हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सारे लोग शामिल थे। भारत सरकार के द्वारा भी इन मुहिम को हरी झंडी मिल चुकी है। अभिनेता व एमआरपी ग्रुप के संचालक मनोज पांडे ने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम साहब जो हमारे हैं उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता अभियान चलाओ। तो स्वच्छता का मतलब ये तो नहीं है कि खाली कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो। अब कचरा चाहे शरीर में हो, कहीं का भी कचरा हो, उसको साफ करना मतलब देश को स्वच्छ रखना है, स्वच्छता अभियान चलाना है। तो ये भी गंदगी ही थी। अब इस गंदगी को ख़त्म करने का सबने ठान लिया, हमने कोशिश की। मैंने बहुत पहले जब मैं छोटा था तभी से क्या था कि मतलब एक समझदार हुआ लाइक 12-13 साल का, तो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई कि जिससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। अभिनेता व समाज सेवक मनोज पांडे बचपन से ही लोगों को सेवा करने की ठान रखी थी, लेकिन इनको सही जगह की तलाश थी। आखिरकार एक दिन उन्होंने सलमान खान की फिल्म जय हो देखा। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जय हो, ये मेरे जो खास कलीग्स हैं वही ये बात जानते हैं जो मुझे जानते हैं शुरू से। तो उसमें सलमान भाई के ऊपर एक कहानी बनी थी कि तीन लोगों को मदद कर देना। तो वो कहानी दरअसल देखा जाए तो कहानी मेरी पर्सनल कहानी है, जिसमें मैं हमेशा कहा करता था, आप मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे ये चीज़ मनोज जी की ही है। तो जब लोग कहते थे कि बेटा आपने इनकी मदद कर दी तो क्यों करती, मतलब कोई नहीं, उन्होंने मुझे स्माइल दी ना और कोई मुझे थैंक यू कहता था तो मैं कहता था एक काम करना, आप किसी कोई आपसे मदद मांगेगा ना तो आप उसकी मदद कर देना, तो वो आपको स्माइल देगा ना, वो स्माइल मेरी होगी। और जब वो सेम चीज़ वो किसी और को कहेगा और जो स्माइल वो थर्ड पर्सन देगा वो स्माइल आपकी होगी, ठीक है? तो मुझे दुआ में याद रखना, ठीक है? ये चीज़ें मैं सोचता था। तो एक दिन जब मैं थिएटर में बैठा था तो जैसे सलमान भाई क्लाइमेक्स में बैठे थे और उन्हीं की चीज़ उन्हीं के सामने आ रही थी, ऐसे जब वो फिल्म में देख रहा था तो वही क्लाइमेक्स मेरे सामने आ रहा था, मुझे भी बहुत अच्छी स्माइल आ रही थी कि आज मेरी चीज़ दुनिया देख रही है, दुनिया में बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो अगर वो चीज़ 5-6 सालों में इतना बड़ा रूप ले सकती है तो अगर इस मुहिम को रोज़ रोज़ किया जाए, कहते हैं ना किसी को टक 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 करते रहो तो एक दिन वो चिढ़ भी जाता है, और किसी को प्यार से मनाते रहो तो एक दिन वो मान जाता है। तो मैंने ये सोचा कि और सबसे राय भी ली कि क्यों ना अगर हम लोग रोज़ रोज़ कोशिश करें तो आज एक को समझाएंगे, कल गांधी जी अकेले चले थे सत्याग्रह के लिए और एक दिन वो जीत गए, ठीक है? मोदी जी वो भी चले, वो भी आज जीत गए। कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर एड़ियाँ घसती गई, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो और एक गाना है फकीरा, तो आप सब जानते हैं चल फकीरा चल, वो बड़ा प्यारा गाना है। तो मैं उन सबसे इंस्पायर्ड था कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, एक ना एक दिन कट जाएगी जीवन की ये शाम। तो सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिला और मैंने इसकी मुहिम आगे कर दी।
धीरे धीरे करके इस मुहिम ने बड़ा रूप ले लिया, ऐसा रूप ले लिया कि जब लोगों से सवाल किए जाते थे तो लोग जवाब नहीं दे पाते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, एमआरपी ग्रुप के संचालक व अभिनेता मनोज पांडे ने समाज में फैली अश्लीलता को रोकने के लिए समाज के सभी पहलुओं को जोड़कर देखते हुए कहा कि शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है और माँ 30-32 की हो तो उस उम्र में वो बूढ़ी तो हो नहीं जाती और तब तक उसका बच्चा कम से कम 13-14 साल 15 साल का हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे को आज जो भी गाने उसमें ढूंढी जो बन दुनिया भर की अश्लील शब्द आते हैं तो उसको उसका मीनिंग ना वो बता दिया जाता है। अब वो चीज़ ढूंढने के लिए वो कहाँ जाए, बाहर अगर किसी को छेड़ता है तो या तो पोस्ट को या तो 376 में उसको अंदर डाल दिया जाता है। अगर किसी अगर सिगरेट का पता चले किसी को तो सिगरेट पीने की कोशिश वो करता है, शराब का पता चले तो शराब पीने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही ये ख़राब है तो ख़राब का पता चला है तो ख़राब को भी तो ढूंढने की कोशिश करेगा ना। तो ढूंढी जो अपन कहाँ ढूंढता है, या तो अपने घर में, माँ तो ये सोचकर कपड़े चेंज करती है कि मेरा बेटा है, बहन ये सोचकर करती है मेरा भाई है, बुआ ये सोचकर करती है मेरा भतीजा है। पर आप सब जानते हैं हमारे उसमें एक गाली है मादर, एक गाली है बहन, तो इसको मैं आगे नहीं कह पाऊंगा, आप सब समझदार हैं। तो ये मादर और बहन टाइप की चीज़ें हैं जो ये गाली है, उसको तो हम अपने घर में ही पैदा कर लेते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो ये सब सोच कर हमने ये मुहिम चलाई थी और आज इस मुहिम ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, मुझे भी खुशी है। और फिलहाल अभी मैं चुप हूँ क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, अब पूरी दुनिया बोल रही है, सबकी समझ में आ गया है कि अच्छा अच्छा होता है बुरा बुरा होता है। मतलब क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना है, पूरी जनता समझदार है। देखिए जनता को सिर्फ बताने की ज़रूरत है, सब स्कूल जाते हैं, सबका दिमाग चलता है, जो अन्न वो खाते हैं वही अन्न मैं भी खाता हूँ। ठीक है, तो जब मेरी समझ में आ गया तो अगर कहीं से उनको पता चलेगा तो उनकी भी समझ में आ जाएगी। इसको आप रोकने के लिए क्या क्या मतलब करना चाहेंगे और क्या क्या लोगों से बताना चाहेंगे कि ये सिस्टम जो है ये गलत है, इसको रोका जाए, कैसे रोका जाए? देखिए ये मुहिम चलनी थी चल गई, अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। अब कहते हैं ना कि ये वायरस हो चुका है, ठीक है, अब ये पूरी तरह फैल चुका है। अब अगर खुद मनोज आर पांडे, खुद एमआरपी ग्रुप भी इसको रोकना चाहेगा तो रोक नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा आगाज़ बन गया है, ये बहुत बड़ी आवाज़ बन गई है। अब तो जो गलत कर रहे थे ना वो भी दुहाई दे रहे हैं कि बंद करो बंद करो, मतलब चोर भी कह रहा है चोरी मत करो, चोर जो है ना वो भी कह रहा है चोरी मत करो, क्योंकि अब तो हमने तिजोरी का जो मालिक है वो चोर को ही बना दिया, तो चोरी कहाँ से करेगा। तो अब हम किसी और मुहिम पर ध्यान देंगे, फिलहाल ये मुहिम तो पूरी तरह इसमें इसने एक बड़ा आगाज़ ले लिया है, बड़ा रूप ले लिया है।